नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अक्सर हम लोग बाज़ार में जाके मलाईदार और क्रीमी कुल्फ़ी खाते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और घर में आके हम लोग सोचते हैं कि ऐसी कुल्फ़ी घर में अगर हम बनाएं तो मज़ा ही ना आ जाए, और घर में बनाने पे वो टेक्सचर नहीं आता है। पर मैं आज आपको कुछ अलग तरीके के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके बिल्कुल बाज़ार के जैसी क्रीमी मलाईदार कुल्फ़ी बनाना बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इस कुल्फ़ी को हम घर में रखे हुए दूध से बनाएंगे, और जो इसमें इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से हम इस कुल्फ़ी को तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम एकदम अलग मलाईदार और क्रीमी कुल्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुल्फ़ी बनाने के लिए 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, और ये मेरा सुबह का गर्म किया हुआ दूध है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। और आप देख सकते हैं दूध में हल्की सी मलाई है, तो मलाई के साथ ही हम दूध को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप ताज़ा ताज़ा दूध लाएं तो वो भी आप यहाँ पर कुल्फ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूध को कर लेंगे हम गर्म, यानी कि इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। तो जब तक यहाँ पर दूध उबल रहा है हम दूसरी तैयारी करते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कटोरी में रखा है मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी कि अरारोट। तो हम दोनों को मिला लेते हैं। दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो ये पूरा 1 कप हम अभी दूध डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, दूध डालने के बाद यहाँ पर ये जो पेस्ट है ये एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है, यानी कि लम्स नहीं है। साइड में हम दूध को भी चेक कर लेते हैं। तो दूध में यहाँ पर उबाल आ गया है, यानी कि उबलने लगा है। फ्लेम को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पे दूध को लगभग 5 से 6 मिनट इसी तरीके से उबलने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो कुल्फ़ी को जमाने के लिए मैं यहाँ पर एक केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं कुल्फ़ी को जमाऊँगी। अगर आपके पास इस तरीके की केक टिन ना हो तो आप बड़े से बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके के आप ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेपर ग्लास हैं, तो इसमें हम पहले क्लिंग रैप को लगा देते हैं, जिससे कि कुल्फ़ी को हमें बाहर निकालने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर दूध को उबलते उबलते 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ मिक्सचर। चम्मच की मदद से इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से चला देंगे, और अब हमें इस मिक्सचर को दूध में डालते जाना है और लगातार दूध को चम्मच की मदद से चलाते जाना है। तो मिक्सचर डालने के बाद अब हम इस दूध को लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम पे उबालेंगे, जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। और बीच बीच में हम इस तरीके से चला जरूर देंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूध नीचे तली में लगना शुरू हो जाएगा। दूध को यहाँ पर लो फ्लेम पे उबलते उबलते 15 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट आ गया है, और कलर भी इसका क्रीमी क्रीमी हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम 4 कप के करीब चीनी, और हाई फ्लेम करके चीनी को हमें चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करना है। और साथ ही साथ इस पर थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ डालेंगे कलर के लिए। मिला देंगे अच्छे से। मिलाने के बाद हमें हाई फ्लेम पे चीनी को अच्छे से चलाते हुए मेल्ट करना है। तो चीनी यहाँ पर हमारी अच्छे से घुल गई है और कुल्फ़ी का मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको करेंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा। ठंडा होने के बाद इसको हम जमने के लिए रखेंगे। कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको जमा लेते हैं। तो जमाने के लिए हमने बर्तन पहले से ही तैयार करके रखा है, तो इसमें हम मिक्सचर को डालेंगे।
और रैप से हमें इसको ऊपर की तरफ कवर कर देना है। और अब हम इसको रख देंगे लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए। और यहाँ पर ये जो हमने ग्लास लिए हैं पेपर वाले, इसमें भी हम मिक्सचर को भर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है ठंडा होने के बाद कितने अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है और उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और ये जो ग्लास है इनको भी हम क्लिंग रैप से ढक के रख देते हैं और इनको भी रख देंगे हम फ्रीज़र में जमने के लिए। मिलते हैं आपसे 8 घंटे के बाद। कुल्फ़ी यहाँ पर हमारी सेट हो गई है और इसको मैंने रात भर फ्रीज़र में रखा था जमने के लिए, तो इसको अब हम अनमोल्ड कर लेते हैं। आराम से एकदम क्लिंग रैप को हम उठाते हुए कुल्फ़ी को टिन से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल्फ़ी हमारी टिन से आसानी से बाहर निकल आई है और अब हम इसको काट लेते हैं और इसके कर लेंगे बराबर बराबर भाग। कुल्फी को करेंगे हम सर्व। और गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ता से। दोस्तों एक बार इस कुल्फी को आप जरूर बनाएं और एक कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मैं अलग अलग तरीके की रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी। मिलेंगे आपके साथ अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।